हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की जो रिक्रूटमेंट है जल विभाग के अंदर वो आ रही है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसके साथ साथ आप देखेंगे आईटी फील्ड ऑफिशियल, इसके साथ साथ पीआर में है, इसके साथ साथ हर चीज में है। दोस्तों आपने जो देखा वहाँ आपने ये भी देखा होगा डिप्लोमा बीटेक, तो यहाँ डिप्लोमा कुछ ब्रांचेस में एलिजिबल है, कुछ में ग्रेजुएट में यानी बीटेक चाहिए। तो आप वीडियो अगर पूरी देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको एक एक चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स इसका बुक सजेशन चाहता हो, देखिए मैं क्या है, 90% बंदे आज के टाइम में सेटल होना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मेरे को यहाँ जॉब लग जाए उसके बाद मेरे को कहीं धक्के मार के निकाल दिया जाए। अगर जो बंदा ये चाहता हो कि यार मैं गवर्नमेंट में एक बार तैयारी कर लूँ और मेरी आराम से 70-75 हज़ार रुपये सैलरी हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको 6 मंथ्स बिल्कुल ऑल टाइम स्टडी करनी होगी, और अगर आप दुनिया से थक के करना चाहते हैं तो मैं आपको बुक सजेशन भी दूंगा, मैं ऐसे चैनल्स के नाम भी बता दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई नो इस चैनल पे 90% बंदे एक लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपके लिए मैं करने को तैयार हूँ, मैं अपने YouTube चैनल पे भी बताऊंगा, एज वेल एज अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दूंगा आपको, और सबसे ज़्यादा मैं अपने WhatsApp चैनल पे बताऊंगा। जिन्होंने अभी तक WhatsApp और टेलीग्राम फॉलो नहीं किया है याद से कर ले। और रही बात ज्वाइनिंग के लिए, दोस्तों इसके साथ साथ बहुत जगह ज्वाइनिंग निकली हुई है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला, उससे लास्ट में भी बोला कि इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ अपना आप मेरे को डायरेक्ट CV सेंड कर दे। आई अंडरस्टैंड कि बहुत बंदों ने CV सेंड कर रखा है और मैंने रीड तक नहीं किया है, लेकिन मैं आराम से रीड करते हुए आप सभी को कन्वे करूंगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल ना जाए, आप कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से मिस ना हो जाए, वो तभी होगी जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को क्लिक करेंगे। तो रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाए, लेकिन कोई भी इश्यू होता है तो आप मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों रिक्रूटमेंट आई है SGVN से लिमिटेड। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपसे बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन जरूर करें। अब इसके अंदर ये क्या है, ये जॉइंट वेंचर हो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, और ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन आ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कब क्लोजिंग डेट है इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, सबसे ऊपर ही लिख दिया है कि 9/10 मतलब 9 ऑफ अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ये SGVN है क्या, ये जो है ये इनडायरेक्टली जो हाइड्रो डैम्स होते हैं या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं या थर्मल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें वर्क करता है, और ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। ऑलरेडी ये जो है जल विभाग में ये ऑलरेडी 25,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, मतलब इनका टारगेट है कि 2030 तक, और 50,000 मेगावाट 2040 तक इनका प्रोड्यूस करने का टारगेट है। दोस्तों अभी जो है ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने लगा लिया है, और जो अब ये वैकेंसी आ रही है ये अरुणाचल प्रदेश के लिए ही आ रही है, जो कि इनिशियल 3 साल के लिए रहेगी, उसके बाद आपका 2 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जिस हिसाब से वर्क करता हूँ उसके बिहाफ पे आप सभी को इतना ही बोल पाऊँगा कि 5 ईयर्स का है यहाँ, लेकिन आपको कोई निकालता नहीं है। ये सब बकवास वाली बात है कि आपको निकाल देते, कोई नहीं निकालता, आपका टेंशन बढ़ता हुआ जाता है, क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इनमें इजीली आपकी रिक्वायर्ड चाहिए ही चाहिए। तो इनमें क्वालिफिकेशन और कौन कौन सी ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है, दोस्तों सिविल के लिए यहाँ फील्ड इंजीनियर चाहिए, 75 वैकेंसीज है, जिसमें आपका BE BTech चाहिए इंडिया के किसी भी उससे, और आपकी एज 30 ईयर्स रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो है मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें भी फील्ड इंजीनियर चाहिए, टोटल 10 वैकेंसी उनके लिए निकल के आ रही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जिसमें फील्ड इंजीनियरिंग चाहिए, टोटल 15 वैकेंसीज निकल के आ रही है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट में फील्ड इंजीनियर, और 5 वैकेंसीज निकल के आ रही है। आपको मैं बता दूं कि HR वालों के लिए भी वैकेंसीज है, और फाइनेंस और IT वालों के लिए भी है। IT वालों के लिए फील्ड इंजीनियर में 5 वैकेंसीज है, OR मतलब ग्रेजुएट इन फुल टाइम और ग्रेजुएट इन हिंदी विद इंग्लिश और सब्जेक्ट एज अ डिग्री एग्जामिनेशन। आपके पास फील्ड ऑफिसर में, फील्ड ऑफिसर आपकी डेजिग्नेशन रहेगी और आपका डेजिग्नेशन OL रहेगी, तो आपको क्या है कि इनडायरेक्टली हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपको फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपका PR। PR क्या होता है,
पीआर में आपको फील्ड ऑफिसर चाहिए जिसमें आपका जर्नलिज्म में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 साल का। और लॉ के लिए फील्ड ऑफिसर और 7 वैकेंसीज है। जियोलॉजी में फील्ड इंजीनियर और 7 वैकेंसीज है जियोलॉजी में। इसके साथ साथ सेफ्टी में फील्ड इंजीनियर चाहिए जिसमें क्या चाहिए, देखिए इन्होंने बोला है कि आपका जो BE BTech होना चाहिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में या फिर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। याद रखिए डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी में होना चाहिए आर्किटेक्चर को फील्ड इंजीनियर और आपका BE BTech होना चाहिए आर्किटेक्चर से। टोटल 153 वैकेंसीज है। बात कर लेते हैं सैलरी की। दोस्तों आपको यहाँ बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा जो कि है 60,000 रुपीज़। मेरे हिसाब से किसी भी मायने में कम नहीं होते हैं आज के टाइम में एक फ्रेशर्स के लिए। और यहाँ जो आपको EPF जो है आपका एज पर जो टेंचर और एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कटेगा। प्रोजेक्ट नेम क्या रहेगा दोस्तों, आपके 2 प्रोजेक्ट अभी इन्होंने किए हैं, कहाँ कहाँ, एक तो जो है हिमाचल प्रदेश में है और एक आसाम में है, एक अरुणाचल प्रदेश में है। और आपको एडिशनल मिलेगा 100% ऑफ फिक्स डेमिनेशन, 50% एडिशनल। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें तो आपकी 60,000 तो सैलरी है ही, लेकिन अगर आपका आंध्र प्रदेश में होता है तो आपको 60,000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपका आसाम में हो जाता है तो आपकी 50,000 और मिलेंगे, मतलब 50% और मिलेंगे, मतलब 30,000। तो कुल मिला के क्या है कि अगर आपका आसाम में होता है तो आपकी सैलरी रहती है 90,000 और आपका आंध्र प्रदेश में होता है तो आपकी सैलरी रहती है 1,20,000। और ये कन्फर्म है और आपको वहाँ अकोमोडेशन वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों अदर बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। इंक्रीमेंट मिलेगा 5, 4, 3 ऑन द बेसिस ऑफ PR रेटिंग ऑन एक्सीलेंट, वेरी गुड इस बिहाफ पे एंगेज्ड। दोस्तों आपको 30 डेज की लीव मिलेगी एज पर कंपनी रॉम्स। इन एडिशन आपको सेफ्टी मिलेगा, इसके साथ साथ मेडिकल और ड्यूरिंग आपको बच्चों का भी इंश्योरेंस मिलेगा। इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सभी के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी गई है यहाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि हर डिपार्टमेंट है आप एज रिलैक्सेशन मिलती है तो यहाँ भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें आपको मैं बता दूं, इन्होंने कहीं भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं बोला है। इसे किस बिहाफ पे होगा, डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न फॉलोड आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसको CBT डिनोट करते हैं, जो कि हमारी तैयारियों पे ही डिफेंड हो सकता है। इनके कहाँ कहाँ सेंटर होंगे दोस्तों, तो न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, नॉर्थ ईस्ट में आपका हो सकता है, ऑब्वियसली जब आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में रहेगी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका क्या आएगा, वो बोल रहा है कि आपका जो 120 क्वेश्चन का जो है आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा और थोड़ा बहुत आपका जो है अलग जो एप्लीट्यूड टेस्ट होता है उसके बिहाफ पे होगा। 18 ईयर्स से ज़्यादा होने चाहिए, तो मतलब यहाँ फ्रेशर्स डायरेक्टली एलिजिबल हैं, मतलब फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट है तो मत छोड़िएगा। इसके साथ साथ यहाँ 3 ईयर का एंगेजमेंट है। और इसके अलावा कहीं भी इन्होंने ये नहीं नोटिस दिया है कि आप एक्सपीरियंस होने चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ जो इसकी फीस रहेगी वो 600 प्लस GST रहेगी। तो कितनी रहेगी, 600 प्लस 60, मतलब 660 रुपीज़ आपकी जो इसमें है GST रहेगी, या फिर माफ़ कीजिएगा 600 एंड 120, क्योंकि जो GST होता है वो 18% होता है। तो कुल मिला के मान के चलिए आपकी 700 के आसपास फीस रहेगी। इसके साथ साथ इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट इन्होंने बोली है कि 18/9 को ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन शुरू हो चुका है और 9/10 को, मतलब ये 9 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ साथ आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सोचने वाली बात नहीं है। तो इसीलिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, जिन्होंने नहीं सुना है वीडियो के स्टार्टिंग में जाके तीनों को सुन लें, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप तीनों फॉलो करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।